सरकारी और गैर सरकारी बैंकों के एटीएम में पैसे डालने का काम करने वाली सीएमएस इन्फो सिस्टम लिमिटेड के 2 कर्मचारी 1,72,00,000 से ज्यादा रुपए लेकर फरार हो गए हैं। कंपनी के कर्मचारी अमित कुमार मांझी और सुभाष चेल पर पैसों के गबन का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार है। ये 17 जुलाई को एक कंप्लेन आया था अरगोड़ा थाना में, जिसके संबंध में 238/22 केस दर्ज हुआ है। इसमें सीएमएस कंपनी जो एजी कॉलोनी अरगोड़ा में एक है, जो बैंक के साथ बैंक से पैसा लेके सभी शहर के विभिन्न एटीएम में पैसा डालने का काम करती है, उसी का 2 सिक्योरिटी के ऊपर आरोप लगा था कि उन दोनों के द्वारा, अमित मांझी और सुभाष चेल के द्वारा, करीब 36 एटीएम से 1,81,00,000 करीब पैसा निकासी किया गया। इसी में अनुसंधान के क्रम में हमारे अरगोड़ा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साहब उनके टीम के द्वारा किया गया अनुसंधान के क्रम में अमित के और सुभाष का घर पर सर्च किया गया, कुछ ज़्यादा नहीं मिला। लेकिन उसी क्रम में एक अतुल शर्मा करके एक व्यक्ति मिला, जो बाद में पूछताछ करने पे एक्सेप्ट किया कि उसके द्वारा, कि दोनों के द्वारा करीब उनको, उन दोनों के द्वारा 60,00,000 करीब जुआ में खेलने के लिए पैसा दिया था। और ये अतुल शर्मा उनको आगे दिया सनोज ठाकुर को, जो ये ऑनलाइन गेम खेलता है। 60,00,000 रुपया ऑनलाइन लगाया, जो ये गेम होता है दिल्ली का एक एजेंट है, उनको पैसा देता है, वो ऑनलाइन के थ्रू से इन लोग को पॉइंट देते हैं। पॉइंट के बाद ये दुबई से ऑनलाइन खेलते हैं और इन लोग 60,00,000 रुपया हार गए हैं। और बाकी जो और भी खेलने के लिए जुआ रखे हुए थे, उसके घर में, सनोज के घर में और ये अतुल के घर में, दोनों के घर से कुल 5,00,000 कुछ रकम मिले हैं अभी। बाकी पैसा ये लोग जुआ में हार गए, और बाकी जो पैसा है जो 1,81,00,000 में से, ये लोग दोनों लेके भागे हुए हैं अभी, जो मेन एक्यूज्ड है अमित मांझी और सुभाष चेल, उसका है, उसको भी हम लोग जल्दी ही रिकवर करने के लिए हमारा टीम जो है बाहर भी गया हुआ है। ये एक दिन में नहीं हुआ है, बीच बीच में एक एक दिन करके अलग अलग दिन पे हुआ है। 11 तारीख को हुआ है, कुछ 12 तारीख को हुआ है इस तरह का, कुछ 13 तारीख को भी लोग अलग अलग दिन पैसा लोग दिए हैं। जो जुआ वाला जो खेलते हैं, वो लोग अलग अलग दिन दिए हैं उसके।